वेलकम टू द शो। मैं चाहूंगी हारिस साहब आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करें। बेसिकली इससे पहले कि हम प्रोविजन बाय प्रोविजन यू नो डाइसेक्ट करें पूरे निकाहनामा को, आप ये बताएं, आप फैमिली के बहुत ज्यादा केसेस करते हैं, तो जो लोग आपके पास आमतौर पे आते हैं वो कितने अवेयर होते हैं अपने राइट्स के बारे में निकाहनामा के हवाले से? जी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने इंट्रो में बताया है कि अगर हम कोई रूटीन का भी एग्रीमेंट करते हैं तो उसको कोई 10 दफा पढ़ते हैं, अपने राइट समझते हैं, अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं, बट निकाहनामा इज वन सच डॉक्यूमेंट के जिसमें हमने देखा है कि दुल्हा दुल्हन दोनों और इवन देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, उनको ना किसी शक के बारे में सही तरह समझ है ना उसकी इंटरप्रिटेशन है, और ब्लाइंडली इसको साइन कर दिया जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई आपस में कोई फैमिलीज में स्प्लिट होता है मियां बीवी का, और फिर जब अदालत में आते हैं और या वकील के किसी दफ्तर आते हैं, तो दैट इज आई हैव सीन फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ ग्रूम एंड ब्राइड वो निकाल के शिक बाय शिक देखते हैं कि हमने साइन क्या कर लिखा हुआ क्या था। लेट्स होप कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू ही लोग जो है वो ज्यादा अवेयर हो जाए और ज्यादा यू नो मोटिवेट हो जाए निकाहनामा को पढ़ने के लिए। बोथ ब्राइड एंड ग्रूम दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ये 20 से 25 शिकें हैं, हर शिक की एक अपनी इंटरप्रिटेशन है, एक अपनी कॉनोटेशन है, एंड देन मोर और लेस दिस इज अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर एंटरिंग इनटू, तो इसमें एवरीवन शुड बी एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ एग्जैक्टली डॉटेड लाइन पे साइन करने का मतलब क्या है। बिल्कुल। अच्छा हारिस, मैं चाहूंगी कि अब हम प्रोविजन बाय प्रोविजन जो है निकाहनामा उसको एड्रेस करें, शिक नंबर 3 और शिक नंबर 6 के हवाले से, जो कि कहते हैं कि दूल्हा की उम्र और दुल्हन की उम्र के बारे में जो प्रोविजन थे, तो इसके बारे में बताएं लोगों को आपके क्या मिनिमम एज होनी चाहिए इससे पहले कि आप निकाह साइन करें, लड़कियों की भी और लड़कों की भी। जी इसमें थोड़ा सा फर्क है बिटवीन द प्रोविंसेस। जिस तरह पंजाब के अंदर लड़के की कम अज कम उम्र 18 साल है और लड़की की उम्र है 16 साल। सिंध के अंदर इक्वली 18 साल उन्होंने उम्र रखी हुई है। चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट है कि अगर आप इससे कम उम्र बच्चे की शादी करेंगे तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। ठीक है। और ये मुझे बताएं कि देखिए हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि बचपन में ही बच्चों का रिश्ता तय कर दिया जाता है, उनका निकाह पढ़ दिया जाता है, जब वो बड़े होते हैं मेजोरिटी एक्वायर करते हैं तो वो चाहते हैं कि शादी से ना वो आजादी ले लें, शादी का मायदा खत्म कर लें, तो इसका तरीकेकार क्या है? ये देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चे का निकाह पढ़ेगा वो निकाह ख्वान भी एक कानूनी ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस के हिसाब से 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद हो सकती है, फाइन भी है और फाइन भी है, और वो जो पेरेंट्स हैं और जो गार्डियन है उस बच्चे के उनके ऊपर भी ऑफेंस ये लागू होती है जो उस बच्चे का निकाह पढ़वा रहे हैं, चाहे वो ऑब्वियसली बच्चा है वो खुद से कबूल है भी कह रहा है, साइन भी अगर कर रहा है, अंगूठा भी लगा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही समझ ही नहीं। एब्सोल्युटली। और फिर कानून देता है कि वो निकाह तो एक किस्म का हो गया लेकिन दिस इज हम जो लीगल टर्म्स में कहते हैं इसको रेपुडिएट, इसको खत्म किया जा सकता है, तो वो 18 साल का होने के बाद अदालत के अंदर निकाह मनसूखी का दावा कर सकता है और कह सकता है कि जी मुझे तो समझ ही नहीं थी तो मैं इस ऑब्लिगेशन को नहीं मानता। और इस तरह के केसेस जो है वो बड़े रोजमर्रा किस्म के केसेस होते हैं, यू नो बड़े ईजी होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो वो सीख करना। अच्छा मैं चाहूंगी वीडियो लिंक पे हमारे साथ मिस हुमा जो है वो मौजूद है, उनको भी हम प्रोग्राम की डिस्कशन का पार्ट बनाए। मैडम आपसे मैं रहनुमाई लेना चाहूंगी 4 स्पेसिफिक क्लॉजेस की जो कि रिलेट करते हैं हक मेहर के राइट के हवाले से, शिक नंबर 13 जो कि पड़ती है मेहर की रकम। अच्छा इसमें एक सवाल जो खवातीन बहुत ज्यादा पूछती हैं जो कि मैं चाहूंगी कि आप उसको एड्रेस करें कि आइडियल रकम जो है वो क्या हो सकती है? देखिए जी इट डिपेंड के आपका निकाह किससे हो रहा है, क्या आपका निकाह एक ऐसे क्लर्क से हो रहा है जिसकी तनख्वाह ही 25,000 रुपए है और उसके पास यही है सब कुछ और उसके पास घर भी नहीं है अपना, वो सरकारी घर में रह रहा है, या आपकी एक ऐसे बंदे से हो रही है जो एक रिच बिजनेसमैन है जिसके पास जमीन जायदाद और उसकी इनकम बहुत हाई है, तो इट डिपेंड अपॉन हु यू आर गेटिंग मैरिड टू। और अगर मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ जिससे उनको खवातीन को देखें, अगर आप किसी एक नौकरी पेशा आदमी से कर रहे हैं जिसकी जैसे कहते हैं 1.5-2 लाख की सैलरी है पर मंथ, तो कम अज कम आप उसकी अपने निकाह में अपने हक मेहर में या उसकी कोई और भी एक दो कोई एसेट्स भी होंगे तो आप उसको कम अज कम या तो 3 महीने की सैलरी लिखवाएं, कम अज कम 3 से 6 महीने की सैलरी लिखवा लें अगर वो इस बात पे रजामंद हो मैडम, बिकॉज ये देखिए बड़ा पॉइंट ऑफ एग्जांपल दे रही हूँ, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसके पास गाड़ी है, एक घर भी ओन करता है, कोई प्लॉट भी ओन करता है, तो आप कहते हैं कि जी ठीक है ये आप मुझे ये जो फलां प्लॉट है ये आप मेरे नाम कर दें हक महर में।
आपने जिक्र किया कि प्रॉपर्टी भी लिखवा सकते हैं और इस तरह से आई बिलीव ज्वेलरी भी आप उसको भी लिखवा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से भी जो अगर आप देखें लॉ बड़ा वाजे है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून कहता है कि उसकी डिटेल्स जो है बड़े वाजे तौर पर उनका अंदराज किया जाए, प्रॉपर्टी जो है वो उसकी अपनी ओनरशिप में, वो ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी जो मुझे इनहेरिटेंस में मिलनी है ठीक है ये मैं अपनी बीवी को मेहर के तौर पर लिखता हूँ, तो इस हवाले से क्या जो है वो कानून साजी की जा रही है? इनहेरिटेंस आप नहीं आप दो चीज उसके नाम पे है, और जहां तक ज्वेलरी का ताल्लुक है एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, लेकिन जो ज्वेलरी आपको गिफ्ट मिल रही है शादी पे वो आपको हक मेहर में लिखने की जरूरत नहीं है कि जो हमने दे दिया बस वही हक मेहर हो गया खत्म करो, नहीं हाँ। आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, जो गिफ्ट बिकॉज वो लव एंड अफेक्शन है, वो आपको ब्याह के लेके जा रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो गिफ्ट हो गया खत्म, तो अब मैं क्लेम करूंगी आपके ऊपर वो दो बच्चे गिफ्ट नहीं, आप उसमें अपना वो ज्वेलरी इज सेपरेट, वो गिफ्ट है, वो आप वापस नहीं ले सकते, वो किसी कंसिडरेशन में दिया जाता है कि क्योंकि आपसे शादी कर रहे हैं, आपके साथ छह महीने गुजारे, साल गुजारे, छह साल गुजारे, वो इस कंसिडरेशन में गिफ्ट आप मतलब मेहर को आप स्ट्रेट स्ट्रेट रखें, या आप कैश के फॉर्म में लें या फिर आप प्रॉपर्टी के हवाले से लें। जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने तो इसके ऊपर काफी लिटिगेशन भी की हुई है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना जी, हक मेहर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द वुमेन। जी हमारे माशरे में कई दफा हम इतना ज्यादा हक मेहर भी लिखवा लेते हैं सो दैट इट इज एन इम्पेडिमेंट फॉर द हस्बैंड टू डिवोर्स, कि अगर वो तलाक देगा उसको हक मेहर देना पड़ेगा, अदरवाइज तलाक उसकी उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड एक और इसमें इशू होता है कि अगर औरत खुला ले तो उसको हक मेहर अपना फुरगो करना पड़ता है, अनलेस कि वो साबित ये कर दे कि मैं खुला लेने पे मजबूर हो गई थी और हस्बैंड की एक्शंस की वजह से मुझे खुला लेना पड़ रहा है। जहां तक आपका क्वेश्चन था कि कितना होना चाहिए, इसके अंदर भी एक हमारा हमने माशरे को भी थोड़ा सा कंसिडर करना है, वन कैन गो फॉर द मून के जी उसकी सारी जायदाद भी लिख लें, बट ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि जब शादी हो रही होती है दीज आर ऑल्सो सेंसिटिव इशूज, सो इफ एंड लोग एक एक तासुब ये भी एक देखे ना तासुब ये भी बैलेंस होना चाहिए उसमें, जिस तरह के हमारे सही कहा कि फाइनेंशियल स्टेटस भी मत का कंसिडर किया जाना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि वो कितना रजामंद है देने के लिए, फिर जनरली यू नो औरत फैमिली में कितनी खवातीन क्या एक वो फीलिंग सेट हुई है। आई एग्री विद मिस हुमा दैट द हक महर वैल्यू शुड बी डिटरमिंड इन अकॉर्डेंस विद योर ओन सोशल स्टैंडिंग एंड योर इवन एन वाइफ सोशल स्टैंडिंग, बिल्कुल, और उस हिसाब से हक महर डिटर्मिन होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर यू नो एक गलत इंप्रेशन भी नहीं जाना चाहिए कि लेट्स से उसके पास एक प्लॉट है तो आप कहेंगे जी वो प्लॉट ही लिखते हैं, ये भी अनरीजनेबल जी प्लीज। एक तो ये जो है ना मिसकंसेप्शन है कि आपको हक में अपना जो है हक में फॉरगो करना होता है, अगर आपने बोला आपने उसको कंटेस्ट करना है, आपको हक मेहर प्रिंसिपली अब 50% तो हक मेहर आपको मिलता है, ये लॉ में लिखा हुआ है, तो अब आपने वो तो लेना ही है और बाकी 50% के लिए भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैडम ये भी थोड़ा मुख्तसर सा बता दें, बिकॉज मैं चाह रही हूँ हम सारे प्रोविजंस कवर करें, कि हक मेहर मुअज्जल भी आप रख सकते हैं, गैर मुअज्जल भी रख सकते हैं, इसमें बुनियादी फर्क क्या है और आप क्या लोगों को एडवाइस करेंगी कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो किस किस्म के हक मेहर में ज्यादा लाइक करती है, किस किस्म का उनको रखना चाहिए? जी एक होती है मुअज्जल का मतलब पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, एक होती जिसको होता है कि वो आप डेफर्ड कर देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि यू वेट फॉर डिवोर्स टू हैपन, यू कैन डिमांड इट ड्यूरिंग योर मैरिज, यू कैन डिमांड इट, उसके ऊपर भी केस लॉ अब आ गया, ठीक है, क्योंकि ये केस हुआ कि जी ये तो आपने सिर्फ तब डिमांड करना है जब डिवोर्स हो रही हो, नहीं, औरत अपना हक मेहर डिमांड कर सकती है। एक है जो पेबल उसी टाइम पे होता है, मैरिज हुई निकाह हुआ आपने उधर ही अदा कर दिया, चाहे वो आपने जेवर लिख दिया, आपने कहा कि ये मेरा जेवर है और ये मैं 18 लाख का जेवर डाला या 10 लाख का डाला या 5 लाख का, ये जेवर जो है ये मैंने इसको मौजल कर दिया और जो बाकी 5 लाख है दैट इज डेफर्ड। डेफर्ड डजंट मीन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जो उसपे भी केस लॉ बड़ा डेवलप हो चुका है कि आप कई लोग जाते हैं कि जी तो डिमांड ही नहीं कर सकती ड्यूरिंग देयर मैरिज अपना डेफर्ड आवर, नहीं, आप ड्यूरिंग मैरिज अपना डेफर्ड आवर भी डिमांड, ये आई थिंक बड़ी एक पर्सनल सी चीज है, कई लोग प्रेफर ये भी करते हैं, ऐसी भी शादियां मैंने देखी हैं कि वो डिवाइड कर देते हैं, वो कहते हैं कि कुछ जो है वो एट द इंस्टेंस ऑफ द मैरिज हो, कुछ जो है इन द इवेंट कि उनकी डाइवोर्स हो जाए या जो है हस्बैंड के पास तब हो जाए, ज्यादातर वो डिमांड प्रैक्टिस में किया जाता है डिवोर्स के टाइम पे, लेकिन अगर सपोज सेपरेशन हो जाए बीवी डिमांड कर ले तो वो डिमांड कर
सकती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि हम और प्रोविजंस को भी एड्रेस करें, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजंस टू एड्रेस। शिक नंबर 17 जो कि पड़ती है कि खास शरायत अगर कोई हो, तो इसमें किस किस्म की शरायत जो उनका अंदराज किया जा सकता है खवातीन के पर्सपेक्टिव से, मर्दों के पर्सपेक्टिव? ज्यादातर एक है, ऑब्वियसली खास शरायत में खवातीन को चाहिए कि इसके, और उनके लिए प्रोटेक्शन ज्यादा है, मर्द के लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब खास शरायत में आप ऐड कर सकते हैं कि जी मुझे नौकरी करने की खातून को इजाजत होगी, मुझे साल में एक दफा मुल्क से बाहर लेकर जाओ। वेल, मुल्क से बाहर अगर वो अफोर्ड करता है, बेचारा वो खुद भी गया हुआ है कभी बाहर, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ ये क्लॉज। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसे भी हमने देखे हैं कि वो खातून ने कहा मैं फैमिली होम में नहीं रहूंगी, तुम्हारी वालदा के साथ नहीं रहूंगी, मेरा एक दीनी राइट है, मुझे इंडिपेंडेंटली अलहदा घर लेके दिया जाए। या अगर आप किसी ऐसी औरत से शादी कर रहे हो जो कि अपना रिलीजन ना चेंज करना चाहती हो, ऐसे भी मैंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखे, उन्होंने लिख दिया है कि हम लोग नहीं कन्वर्ट करेंगे। जी रिसेंटली मैंने एक देखा, बल्कि हमने एडवाइस किया, वो लड़की पढ़ रही थी, तो शी वाज डूइंग एन एमबीए, तो उसने लिखा कि मुझे एमबीए कंप्लीट करने की इजाजत दी जाएगी। सो समथिंग विच इज एक्चुअली वेरी यूजफुल इसके अंदर, स्पेसिफिकली अगर आपको एप्रीहेंशन है, तो दिस इज अ वेरी यूजफुल क्लॉज। 99% ऑफ द टाइम अगर आपको निकाहनामा देखेंगी तो ये क्लॉज खाली पड़ा हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्लॉज, ये है क्लॉज नंबर 18, आया शोहर ने तलाक का हक जो है वो बीवी को तफवीज कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शरायत के तहत? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो उठती है, तलाक तफवीज का हक, इसके बारे में बताएं कि ये हक होता क्या है। जी, इसके अंदर हमारी जी केस लॉ बहुत डेवलप हो गया है और इस शिक को स्पेसिफिकली इंटरप्रेट किया हुआ है हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने। इसमें थोड़ा सा अगर इसके बैकड्रॉप पे इशू ये है कि अगर मर्द ने तलाक देनी है ना, तो वो घर में भी दे सकता है और उसके बाद जाके यूनियन काउंसिल या आर्बिट्रेशन काउंसिल को वो इन्फॉर्म कर देगा और वो तीन नोटिसेस देने के बाद आफ्टर 90 डेज वो तलाक फाइनल हो जाएगी। जिस तरह सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ निकाह होता है, उसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स मिल जाता है आपको। औरत के लिए एक प्रॉब्लम है कि अगर उसने खुला लेनी है तो वो घर में बैठ के नहीं कर सकती, शी हैज टू गो टू कोर्ट एंड शी हैज टू फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व होता है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है, मनी, मतलब देयर इज अ हैसल। अगर औरत ने ये राइट अपने लिए रिजर्व किया हुआ है, तो शी डज नॉट नीड टू देन गो टू कोर्ट एंड गेट अ डिवोर्स। ऑल शी कैन डू इज, जिस तरह हस्बैंड तलाक दे सकता है, उनका राइट टेक्निकली औरत को डेलीगेट हो गया। बिल्कुल, शादी के अंदर औरत को फिर वो भी प्रॉब्लम्स नहीं है जो हमने पहले डिस्कस किया कि उसको हक महर फॉरगो नहीं करना पड़ेगा, एंड शी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द यूनियन काउंसिल एंड इन्फॉर्म कि मैंने ये राइट एक्सरसाइज कर लिया है, आप हस्बैंड को नोटिफाई कर दें और 90 डेज के अंदर उनकी तलाक जो है वो फाइनल। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, हम एड्रेस करेंगे शिक नंबर 19 को जो कि कहता है कि आया शोहर के तलाक के हक पर कोई पाबंदी लगाई गई है। आई थिंक ये मेरे तो ख्याल में मिरर इमेज होना चाहिए क्लॉज नंबर 18 का, लेकिन आपका क्या ख्याल है? जी, ये देखिए, अगर आप ये पूरा निकाहनामा पढ़े ना, कंडीशंस भी हम लोग वो सारा ही खाली, लेकिन आजकल की माशाल्लाह जो खवातीन है, पढ़ी लिखी नहीं, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, अवेयर भी हैं, एंड सो आर द मेन, एंड दे रेडी टू टॉक एंड रेडी टू के भाई आपस में मिलके मफामत से ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली फिल कर बैठ के। इसका मतलब ये है कि आप शौहर के हक पर भी पाबंदी लगा सकते हैं, आप लगा सकते। वैसे लगाती है खवातीन, मैंने तो अपने उसमें एक्सपीरियंस में देखा है कि बिल्कुल नहीं यूज होता ये राइट। मैं बता रही हूँ कि प्रोविजन तो है ना, मजहब का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो आपकी सोसाइटी का है। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी रेलेवेंट बात कही है, जो क्लॉज नंबर 20 है ये भी यही आपको बेसिकली इजाजत देता है कि अगर आपने मेहर या नानो नुस्खा के हवाले से कोई और डॉक्यूमेंट तैयार अगर किए हुए हैं तो उनकी भी डिटेल्स करें। तो इसमें आप क्या पर्टिकुलर